आज आप लोग के लिए आप ही की फरमाइश पर बना रहे हैं शीर खुरमा। जारी सी बात है, रोजे जो है हमारे माशाल्लाह से खत्म होने वाले हैं और हमारी ईद आ रही है, तो ये है कि मेरे कुछ बहन भाई ने रिक्वेस्ट की है, उनके लिए खास बना रहे हैं। चीजें आपको दिखा देते हैं। आपको चाहिए इसके लिए सवैयें जो होती हैं, बारीक भी इस्तेमाल की जा सकती है, मोटी भी, मैं बारीक इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध आपको चाहिए होगा, मिल्क यानी कि होल फैट मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क आपको चाहिए यानी कि जो मीठा दूध होता है, कैंस में आपको मिलता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको ये क्रीमी इफेक्ट देगा। और साथ ही आपको चाहिए इसके लिए खजूर, आप ड्राइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सॉफ्ट वाली भी, मैं सॉफ्ट वाली इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर आप ड्राइड वाला इस्तेमाल करते हैं तो पहले आपका उसका थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, आपने उसको दूध में भिगोना होता है, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट है हमारा काम आधा हो जाता है। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए पिस्ते यानी कि पिस्ताशियोस, बादाम यानी कि आमंड्स, रेजन्स यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, और साथ ही आपको चाहिए इसके लिए काजू यानी कि कैश्यू नट्स, इलायची पाउडर, दैट्स ग्रीन कार्डमम पाउडर, देसी घी में इसको बना रहे हैं, आप ऑयल में भी बना सकते हैं, बटर में भी। आपको दिखाते हैं कि इसको बना काम जो है हमारा, हमने दूध को एक्चुअली पकाना है, इसलिए मैंने एक खुली, आपको देश की चाहिए, नॉन स्टिक इस्तेमाल कीजिएगा, उसमें होता है कि नीचे लगने का डर जो होता है आपका खत्म हो जाता है। अगर आप दूसरी सादी हांडियाँ इस्तेमाल करें, उसमें यह कि आपको चमचा इसमें हिलाते रहना होगा, वरना दूध नीचे लग जाता है। तो जैसे इसमें आप देखेंगे बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, तो हम इसको बिल्कुल लो टू मीडियम पर रखकर कुक करेंगे, ताकि थोड़ा सा दूध जो है गाढ़ेपन की तरफ आ जाए। एक चीज़ मैं आपको बीच में दिखाना भूल गई थी, जो कि मैं आपको आगे दिखाने लगी हूँ, कि जो आपने इस वक्त दूध के अंदर में ऐड कर ले, तो मैं आपको दिखाना भूल गई थी रेसिपी में। इंशाल्लाह जब आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, तो आप देखेंगे तमाम चीज़ों के नाम वहाँ पर आपके लिए और मेजरमेंट्स एग्जैक्टली लिखी होगी। ये है इवेपोरेटेड मिल्क, ये आपको डब्बों में मिलता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़रा इसको बड़ा एक ज़बरदस्त खोए का इफेक्ट दे देता है, और साथ ही जो है बड़ा क्रीमी इसको कर देता है। तो ये चीज़ें बीच में चली गई, जैसे इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी लो टू मीडियम रख के इसको कुक करेंगे, जब तक कि दूध थोड़ा सा गाढ़ेपन की तरफ। मैंने घी दिखाया, उसमें से हम थोड़ा सा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर करने अपने नट्स वगैरह को अच्छी तरह फ्राई। तो घी चला गया बीच में, चूल्हा नीचे ऑन हाई पर है, आप इसमें डालते हैं जो कि आपके पिस्ते हैं, बादाम और काजू यानी कि कैश्यू नट्स, इसलिए चली गई। और जैसे इस पर हल्का सा एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आएगा, हम इसे रिमूव कर कर एक अलहदा बर्तन में जमा करते चले जाएंगे। तो ये कि प्लीज़ चमचा हिलाते रहें, ताकि कोई चीज़ जल ना जाए, सिर्फ इसका गोल्डन कलर हो जाना चाहिए। भी थे गोल्डन करके मैंने एक साइड पर कर लिए। दोबारा इसमें आप थोड़ा सा तेल डालते हैं नीचे। अब यहाँ पर आपने फ्लेम जो है हल्की सी कर लेनी लो टू मीडियम के दरम्यान, क्योंकि ये जल्दी जो है फ्राई होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही इसमें जाएंगे जो कि हमारी सॉफ्ट वाली खजूरें हैं, और इसको बिल्कुल लो टू मीडियम में रख कर आपने तब तक को करना है, जाके जो उसका ऊपर से स्किन थोड़ा सा सॉफ्ट है। यहाँ पर हमारा पक रहा है और इसमें जो है बॉइलिंग स्टार्ट हो गई थी, मैंने इसको हल्का सा लो टू मीडियम पर कर दिया हुआ है। अब इसमें आप यहाँ पर ऐड करते हैं जो कि आपके रेजन हैं और खजूर, ताकि खजूर और रेजन जो है इसके साथ साथ पकते चले जाएंगे। और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करें। उनको अभी दूध में डालने की वजह ये होती है कि वो साथ पकते पकते बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, और आप जब उसको खाएंगे तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि बीच में खजूर है, और अगर थोड़ा बहुत आपके मुंह में आता भी है तो वो बड़ा अच्छा जायका देता है। तो ये है कि जो बकाया का घी रह गया था वो मैंने इसमें गर्म कर लिया, और बीच में जाएंगी जो हमारी सेवियाँ हैं, ये डालने के बाद चमचा हिलाते रहिए ताकि ये जल ना जाए, और इसे हल्का सा गोल्डन हो जाने दें, और इसको भी निकाल करके एक साइड पर रखें। परफेक्टली ये भी हो चुकी है गोल्डन। अब हम इसे निकाल करके जो हमारा दूध यहाँ पर बॉयल हो रहा है उसमें इसको ऐड कर लेते हैं। इस तरह से ज़रा ध्यान से थोड़ा डिस्टेंस रखिएगा क्योंकि गर्म है, और इसको बीच में डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेते हैं। उसमें ये ऐड कर लेते हैं, तो फिर आपने चूल्हे को बिल्कुल लो पर यहाँ पर ले आना, क्योंकि अब हमने इसकी स्लो कुकिंग करनी, तभी इसका जायका निकलेगा। अब उसके बाद आप यहाँ पे ऐड करते हैं जो आपने फ्राई किए थे, आपके जितने भी नट्स हैं, थोड़े से बिल्कुल मैं छोड़ूंगी गार्निशिंग के लिए। तो ये चला गया बीच में सारे हमारे नट्स, और अब आप इसको यहाँ पर धीमी आंच पर पकाएंगे, चमचा बीच में रुक रुक के हिलाते रहिएगा, और फिर आपको दिखाएंगे कि नेक्स्ट क्या करना। लो कुक करते हुए इसको यहाँ पर तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हुए, चमचा मैं बीच में हिलाती चली जा रही हूँ, थोड़े से गाढ़ेपन की तरफ आ रहा है। अब हम यहाँ पर ऐड करते हैं जो कि आपका कंडेंस्ड मिल्क है, यानी कि जो मीठा दूध आपको कैन में मिलता है, ये चला गया। फिलहाल अभी भी जो चूल्हा है बिल्कुल लो पर मैंने रखा हुआ, ताकि आराम आराम से पकता रहेगा, और फुल इसका जायका जो है बड़ा मुलायम आता है और क्रीमी बन जाता है। कंडेंस मिल्क चला गया बीच में, और अब यहीं पर हम ऐड करेंगे जो कि है हमारा इलायची पाउडर, और इसको थोड़ा और कुक कर लेते हैं। कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसको आपने मज़ीद 5 से 6 मिनट और पकाना है, चमचा आप हिलाते रहते हैं, और जो है यहाँ पर ये परफेक्टली कुक हो चुका हुआ। ऐसे भी होता है कि जो मेन कुकिंग प्रोसेस होता है वो दूध को पकाना होता है, शुरू में जब आप उसको बॉयल कर रहे होते हैं आपने उसको बहुत अच्छी तरह
लो टू मीडियम पर रख लें या बिल्कुल लो पर रख लें, चमचा हिलाते रहें। तकरीबन 10 से 15 मिनट या 20 मिनट आपने बिगिनिंग में पकाना होता है। सेवियां डालने के बाद आप दोबारा 15 से 20 मिनट पकाते हैं और कंडेंस मिल्क डालने के बाद दोबारा 5 से 6 मिनट। ये हो चुका है हमारा परफेक्टली तैयार और अब हम इसे डिश बनता है शीर कुरमा। इसके ऊपर आप डालेंगे थोड़े से और बादाम और पिस्ते जो हमने ऑलरेडी फ्राई किए हुए थे। आप इसको गर्म सर्व कर सकते हैं, ठंडा वो आपकी चॉइस है। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट cookwithfaiza.net पर। जरूर बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।